अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की जोड़ी एक समय पर काफी जलवा था। इन दोनों को लीड रोल वाली फिल्म मोहब्बतें लोगों को आज भी काफी पसंद आती है और इसके अलावा कभी खुशी कभी गम बेस्ट फैमिली मूवी में से एक है। लेकिन 2006 के बाद से लोगों ने इन दोनों स्टार्स को एक साथ बड़े स्क्रीन पर कभी नहीं देखा। वहीं इन दोनों को साथ देखने का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी सामने आई है। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की एक तस्वीर खूब वायरल हुई है, जिसमें किंग खान और अमिताभ बच्चन भागते हुए नजर आए। इस पोस्ट के बाद से ही यहां अनुमान लगाया जाने लगा है कि दोनों एक बार फिर बड़े पर्दे पर सामने नजर आएंगे। वही बता दें कि इस बात पर शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को एक साथ डॉन 3 में देखने का कयास लगाया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर कोई आधिकारिक खबर सामने नहीं आई। लेकिन इसी बीच वायरल तस्वीर को लेकर शाहरुख खान ने रिएक्शन दिया है। शाहरुख खान ने आस्क SRK सेशन में कहा कि इतने सालों बाद अमिताभ बच्चन के साथ काम करके अच्छा लगा, वो शूटिंग पर आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने मुझे रेस में भी हरा दिया। वही कहा जा रहा है कि फिल्म को लेकर हाल ही में कुछ मीटिंग हुई, लेकिन नतीजा यही निकल कर आया कि शाहरुख खान अब फिर से डॉन बनने के लिए इच्छुक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शाहरुख खान कुछ कमर्शियल फिल्म करना चाहते हैं, जो दर्शकों को एक सार्वभौमिक वर्ग के लिए हो। डॉन 3 उस खाचे में फिट नहीं बैठती है, जिस तरह का सिनेमा शाहरुख खान अब आगामी कुछ वर्ष करना चाहते हैं। वही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फरहान अख्तर ने डॉन 3 में 3 पीढ़ी के डॉन यानी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और एक अगली पीढ़ी के किसी स्टार को साथ लेने का आइडिया दिया। लेकिन शाहरुख खान का मानना है कि डॉन यूनिवर्स को यह आइडिया बनावटी बना सकता है। ऐसे में किंग खान ने एक प्रोजेक्ट से बाहर होने की सलाह टीम को दी। बता दें कि फरहान इस वक्त महिला केंद्रित फिल्म जीले जरा में व्यस्त है। इस फिल्म में कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट अहम रोल में नजर आएंगी। नवम्बर से इस फिल्म का काम शुरू होगा। वही 2024 में यह फिल्म रिलीज हो सकती है। ऐसे ही मूवी न्यूज जानने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब जरूर करें।